बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 उसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 9.3 का हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पढ़ देता हूँ और उसके पॉइंट मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, शो दैट द डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्सेस ए जो है वो उसका पॉइंट उसके वर्सेस 1, 2 हैं और बी पॉइंट उसके वर्सेस जो है वो 4, 2 हैं, कोऑर्डिनेट हैं उसके, और सी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट -1, -3 हैं और डी के कोऑर्डिनेट -4, -3 हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। यानी वो कह रहा है डायगनल्स पैरेललोग्राम के डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, तो उसका वो शो करें, प्रूव करें कि उसके डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 4 पॉइंट उसने दिए हैं पैरेललोग्राम के, फिर उसके बाद वो कहता है कि ये भी ये इसको प्रूव करें कि उसके डायगनल जो हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, कट करते हैं, वो आपने जो है एक ही पॉइंट पर कट करते होंगे। शो दैट द डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्सेस बाइसेक्ट ईच अदर। चलें जी, हम पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट जो है ये ए पॉइंट जो है इसका पैरेललोग्राम का ए पॉइंट जो है लिखते हैं। ए पॉइंट क्या है जी, ए पॉइंट डायगनल का 1, 2 और ये बी जो है ये बी पॉइंट उसका ये 4, 2 बी पॉइंट और सी पॉइंट जो है इसका सी पॉइंट उसका दिया उसने -1 और -3 और डी पॉइंट उसने दिया है, डी पॉइंट जो है वो -4 और -3। ये उसने वर्सेस दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं डायगनल्स के पैरेललोग्राम के तो यहाँ पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम जो है वो किस किस्म की बनती है, फिर उसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलें जी, हम इसका जो है वो पैरेललोग्राम देखते हैं किस किस्म की। ये वाई एक्सिस के पैरेललोग्राम जो है, ये वाई एक्सिस का मैंने खींच लिया लाइन और ये एक्स एक्सिस की लाइन खींच ली है। ये एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव और ये वाई एक्सिस, थोड़ा सा वाई को बड़ा कर दें वाई की लाइन को, ये वाई एक्सिस जो है ये पॉजिटिव और वाई एक्सिस जो है ये नेगेटिव। ये अब ए पॉइंट देखते हैं जी, पहले तो कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जाना है, 4 तक। तो ये 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 2, ये पॉजिटिव 3, ये पॉजिटिव 4, ठीक है। ये हम जो है वो 4 तक जाना है, तो ये 4 ही, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, -1, -2, -3, -4। ये अब ये स्टूडेंट्स पहला ए पॉइंट हम देखते हैं एक्स। ये देखें आपके सामने x1 है, यानी एक्स की तरह के कितने पॉइंट किस तरह 1 तक जाना है, तो ये 1 आ गया ये, और y2 तो ये 2 तक जाना है, यानी ये इसको आगे बढ़ा लें, इसको भी आगे बढ़ाएं ये, तो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा डी स्टूडेंट, ये पॉइंट ए आ जाएगा। ए पॉइंट मैं कोऑर्डिनेट बाद में लिखता हूँ, पहले पॉइंट मैं देख लूँ। अब बी पॉइंट जो है ये देखें x4 की तरफ, पॉजिटिव 4, ये पॉजिटिव 4 ये आ जाएगा, फिर y2 तो ये 2 जो है ये आगे चले जाएँ, तो
ये टू इसकी सीध में आएगा, ये आ जाएगा, ये टू इसकी सीध में आएगा और ये फोर, ये पॉइंट आएगा डी स्टूडेंट, ये पॉइंट किसका आ जाएगा, बी का पॉइंट बी। अब सी पॉइंट देखें, एक्स माइनस वन, ये माइनस वन, वाई माइनस थ्री और ये थ्री, यानी इस तरफ आएगा और ये पॉइंट इसको सीधा खींच ले, लाइन सीधी खींचे और ये y जो है माइनस थ्री, ये पॉइंट आएगा, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, c, ये c पॉइंट आ जाएगा और c पॉइंट दोनों हो गए, क्लियर हो गए जी, ठीक है। अब d पॉइंट x माइनस फोर, x माइनस फोर, y माइनस थ्री, इसी सीध में y माइनस थ्री आ जाएगा, ये फोर सॉरी ये x माइनस फोर, माइनस फोर इस तरफ आएगा जी, ये x की वैल्यू माइनस इस तरफ आएगी, ये आ जाएगी, ये इस तरह लाइन खींचेंगे और y की वैल्यू माइनस थ्री इसी सीध में आ जाएगा, ये 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 इस तरह ये पॉइंट जो है ये पॉइंट बनेगा डी स्टूडेंट। ये अब आपके सामने पॉइंट कौन सा ये बना, d पॉइंट बना, ये कोऑर्डिनेट मैंने नहीं लिखे। अब कैसे डायग्राम हमें, अब इसलिए मैंने ये रफ आप बनाएं, ये क्या करें, ये रफ बनाएं ताकि हमें पता चले कि इसके पॉइंट किस तरफ है, फिर वो हम दूसरी तरफ जो है वो पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये डी स्टूडेंट, ये ए को इसके साथ डी के साथ मिलाएंगे, फिर ए को ये बी के साथ और ये इसको सी, ये बन जाएगी, ये आपके पास पैरेललोग्राम, इस तरह की पैरेललोग्राम बन जाएगी। हमें आप पता चल गया कि ये पॉइंट कौन कौन से हैं, किस तरतीब से हैं, यानी ए बी इस तरफ आ रहा है और डी सी इस तरफ आ रहा है, यानी अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं उस सीध में, तो ये पैरेललोग्राम अगर आप सीधी करके थोड़ा सा इस तरफ बना ले ऐसे पैरेललोग्राम आम जो है, तो इसमें भी कोई अरज नहीं, हमें पता सिर्फ वहां से मालूम करना था कि उसके पॉइंट कौन से बनते हैं, ताकि फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो कि ये पॉइंट किस तरफ आ रहे हैं। ये पॉइंट जो है ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, ये पॉइंट इस तरह के पैरेललोग्राम बनेगी। अब मैंने थोड़ा सा फिगर के लिहाज से तो वो है, लेकिन आप आसानी के लिए इस तरह बना लें। अब ये पैरेललोग्राम जो है इसमें ए पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट आपके सामने है, ए पॉइंट वन टू और बी पॉइंट जो है, बी जो है ये इसके कोऑर्डिनेट फोर टू। हमें तरतीब का पता चल गया कि किस तरह तरतीब होनी है। अब ये सी जो है ये माइनस वन और माइनस थ्री और डी जो है ये माइनस फोर और ये माइनस थ्री। ये अब वो कह रहा है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो एक ही उनका मिड पॉइंट आएगा, उनका क्या आएगा, एक ही, यानी ए से सी तक ये अगर डायगोनल मैं खींचूं, इसका ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल ये, और ये बी से डी तक ये डायगोनल होगा ये, तो यहां जो है ये दोनों के मिड पॉइंट एक ही आएंगे, यानी ए और सी का मिड पॉइंट भी इधर ही आएगा और बी और डी का मिड पॉइंट भी जो है इस तरफ ही आएगा। तो इसका मतलब है हमने मिड पॉइंट निकालने हैं, किसके मिड पॉइंट, ए सी के मिड पॉइंट निकालेंगे और बी डी के मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों का मिड पॉइंट एक ही आएगा, तो ये प्रूव हो जाएगी कि ये पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट द सेम पॉइंट। तो चलें जी, ये सिर्फ जो है वो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ हमने डायगोनल जो है इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, पहले ए सी का निकालते हैं मिड पॉइंट, लेट द मिड पॉइंट, दूसरी मार्कर से साथ लिखता हूं ताकि आपको जरा क्लियर नजर आए। लेट द मिड पॉइंट एम वन, एम कर लें, एम वन कर लें, यानी एक्स वाई एम वन ऑफ
डायगोनल ए सी, क्या किया है, लेट द मिड पॉइंट एम वन ऑफ द डायगोनल ए सी, इसका पहले हम निकालते हैं। तो मिड पॉइंट का जो है वो फार्मूला आपको पता है, मिड पॉइंट का फार्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू। तो चलें जी, एम वन जो है ये हम पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, शार्ट वाले तरीके से निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू ये एक्स वन और प्लस एक्स टू ओवर टू, ये ए सी का मिड पॉइंट जो है वो आपने निकालना है। तो हम ए सी इस तरह लिख देते हैं, ये ए ए पॉइंट है वन टू, और सी रफ में आपने करना है सी माइनस वन माइनस थ्री, ये ए सी। तो ए सी का ये क्या होगा, ये आ जाएगा एक्स वन आ जाएगा आपका, ये एक्स टू सॉरी वाई टू सॉरी वाई वन, एक्स वन ये और ये वाई वन आ जाएगा, और ये x2 आ जाएगा और ये y2 आ जाएगा। ये आपके जो है वो पॉइंट, इसका हम रफ अमल भी करके करेंगे जी। x इज इक्वल टू x1 माइनस वन प्लस x2 वन ओवर टू। तो x इज इक्वल टू ये जीरो ओवर टू। तो कोई भी किसी भी अगर जीरो के नीचे कोई भी एलिमेंट आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। y जी y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो ओवर टू, ये फार्मूला इसका मैंने लिखा है। और y इज इक्वल टू वाई वन माइनस थ्री, ये वाई वन माइनस थ्री प्लस वाई टू प्लस टू प्लस टू ओवर टू। तो ये y जो है इसका ये आ जाएगा माइनस वन ओवर टू, जो है ये आ गया डियर स्टूडेंट, दोनों कोऑर्डिनेट x और y। तो इसका मतलब है m1 जो है, m1 इसका मिड पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी। चले मिड पॉइंट ऑफ ए सी इस तरह लिख लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज ये आ जाएगा एम वन, ये आ जाएगा माइनस जीरो और ये जीरो, आगे जगह नहीं बचेगी, चलें मैं लिख देता हूँ जीरो और ये माइनस वन ओवर टू, ये एक आ जाएगा जी। अब डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, एक डायगोनल का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, किसका, ए सी का मिड पॉइंट निकाल लिया। अब मिड पॉइंट बी डी, ये बी डी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड लेट द मिड पॉइंट ऑफ लेट लिखे इसी तरह, लेट द मिड पॉइंट एम टू ऑफ डायगोनल डायगोनल, कौन सा डायगोनल, ये बी डी, बी डी डायगोनल इसका हम जो है वो निकालते हैं बी डी। अब ये इसका वही फार्मूला बी डी, बी डी इस तरह, ये आप राफर में कर लें, ये बी कर लें फोर टू और ये डी कर लें, इसमें कोई अर्ज नहीं, जिस तरह मर्जी कर लें, क्योंकि ये माइनस फोर माइनस थ्री, ये एक्स वन है ये y1 है ये x2 है ये y2 है। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको एक दफ़ा ज़रा क्लियर नज़र आए, ताकि सही तरह समझ आ जाए, ये मैं बड़ा करके लिखने लगा हूँ, ये b 4 2 और d जो है माइनस फोर माइनस थ्री, ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है, ये तीर का निशान भी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जी इसका मिड पॉइंट हम निकालते हैं, m2 का मिड पॉइंट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। तो x जो है इसका हमने एक्स वन क्या है फोर प्लस एक्स टू माइनस फोर ओवर टू, ठीक।
अब आगे मैं करने लगा हूँ इसको, यहाँ ही मैं कर देता हूँ, चले लाइन लगाकर आपके सामने ये आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा ये प्लस प्लस फोर और ये प्लस माइनस माइनस फोर ओवर टू, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो ओवर टू, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ज़ीरो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ज़ीरो, तो ये x की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं जी, यहाँ y की वैल्यू ऊपर निकालेंगे तो यहाँ से चले पॉइंट हम लिख लेंगे, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर टू, तो y इज इक्वल टू y1 ये 2 प्लस y2 प्लस ये माइनस थ्री आ जाएगा ओवर टू। ये डियर स्टूडेंट ये y का मैंने x का पहले निकाल लिया है, फिर y का ये y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ये y1 जो है y1 ये 2 है ये 2 लगा दिया प्लस फार्मूले का, और y y2 जो है ये माइनस थ्री है, ये माइनस थ्री लगा ओवर 2, ये इसका काम हो गया जी, इसको हम मिटा देते हैं। ये बी डी को मैंने अलग करके पॉइंट लिख दिए थे, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ये टू और माइनस थ्री ओवर टू जो है, तो वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस वन ओवर टू जो है। डी स्टूडेंट इसका मतलब है कि मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ, दो दफा आप लिख दिया, मिड पॉइंट ऑफ ऑफ डायगनल, बी डी बी डी मिड पॉइंट ऑफ डायगनल यहां लिखना चाहिए था, मिड पॉइंट ऑफ डायगनल मैं पीछे से लिख देता हूं, मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ऑफ ए सी, अब मिड पॉइंट ऑफ डायगनल बी डी ये क्या आ गया इज एम इज इक्वल टू एम टू, एम टू इज इक्वल टू क्या आ गया ये आ जाएगा एक्स वन जीरो और वाई माइनस वन ओवर टू। ये अब ये देखे मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालना है, तो इनको बी डी एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो आ गया, वाई कोऑर्डिनेट निकाला माइनस वन ओवर टू, ये इसका इसका मतलब है पहले डायगनल के कोऑर्डिनेट क्या है जीरो माइनस वन ओवर टू और दूसरे के डायगनल जो है वो माइनस वन, एक सेम आया जीरो माइनस वन ओवर टू, तो जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल ए बी डी आर सेम, यानी इसका एम वन जो है एम वन जो है ये ज़ीरो माइनस वन ओवर टू, ये इज इक्वल टू आया है एम टू जो है ज़ीरो माइनस वन ओवर टू। द मिड पॉइंट मिड पॉइंट्स ऑफ डायगनल्स आर सेम, क्या है आर सेम है, यानी मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल्स ये जो है सेम निकला है, ए सी का पॉइंट भी इधर ही आ गया है मिड पॉइंट और बी डी का भी मिड पॉइंट दोनों एक जैसे हैं जीरो वन माइनस वन ओवर टू जीरो आर सेम, सो दे आर, सो दे आर bisect each other, they are bisect each other, तो ये एक दूसरे को bisect करते हैं, तो ये dear student आपके सामने है। वो कह रहा है कि शो दैट द ये जो पैरेललोग्राम के वर्सेस दिए हैं उनके डायगनल जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमने क्या किया पहले तो इसका मिड पॉइंट जो है वो ए सी का मिड पॉइंट निकाला, ए सी का मिड पॉइंट जो है वो पहले एक्स की कोऑर्डिनेट निकाला जीरो आ गया,
वाई जो है फार्मूला है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन प्लस एक्स टू ओ टू, आप डायरेक्ट कट्ठा भी लिख सकते हैं, इस तरह भी कट्ठा कर सकते हैं। मसलन एम वन जो है ये आपने निकालना है तो ये एक्स वन प्लस वाई वन सॉरी एक्स टू एक्स टू ओवर टू और ये वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू जो है ये एक्स की वैल्यू होती है एक्स कोऑर्डिनेट की और ये वाई कोऑर्डिनेट की, इस तरह कट्ठा भी लिख आप इसको हल कर सकते हैं। मैंने अलग अलग कर दिया है एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू ताकि फिर ज़रा आसानी रहती है। तो ये एक्स की वैल्यू हमने निकाली एक्स के कोऑर्डिनेट लिखे और ये एक्स की वैल्यू ज़ीरो आई, फिर वाई जो है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो हमने लिखे वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू इसके और वाई माइनस वन ओवर टू। तो ये मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ए सी जो है ए सी का डायगनल जो है इसके कोऑर्डिनेट जो कि आगे ज़ीरो और माइनस वन ओवर टू। अब बी डी के डायगनल बी डी के डायगनल के मिड पॉइंट निकाले एक्स की वैल्यू इसी तरह लगाई ये एक्स की वैल्यू ज़ीरो आई और फिर वाई जो है वाई की वैल्यू माइनस वन ओवर टू, तो इसके भी जो है ये ज़ीरो और माइनस वन ओवर टू ज़ीरो उसके भी माइनस वन ओवर दोनों के मिड पॉइंट ऑफ डायगनल बी डी इज ये है और सो जो है M1 जो है उसके डायगनल M1 मिड पॉइंट जो है इसका और दूसरे के मिड पॉइंट बराबर आ गए। द मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल्स डायगनल यहाँ लिख सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल्स ए सी एंड बी डी आर सेम, यानी मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल्स ए सी और बी डी आर सेम सो दे आर बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लास्ट क्वेश्चन रह गया है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नाइन्थ क्लास के दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।